मॉर्निंग जी में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से। कर्नाटक के मांड्या में बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। बता दें आपको कि देर रात गणेश विसर्जन के दौरान यहां पर पथराव हुआ, आगजनी हुई, कई दुकानों में तोड़फोड़ कर दी गई और इसी वजह से धारा 163 यहां पर लागू कर दी गई है। मुस्लिम समुदाय पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा था। तो कर्नाटक के मांड्या की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हिंसा की तस्वीरें, और गणेश विसर्जन के दौरान पथराव किया गया ये आरोप लगा है मुस्लिम समुदाय पर, और पथराव के आरोप के बाद यहां पर हिंसा भड़की है, तनाव नजर आ रहा है, और इसे देखते हुए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मांड्या में पथराव किया गया है, गणपति विसर्जन को लेकर के ये पूरा बवाल हुआ, जिसके बाद वहां जो समुदाय के हिंदू समुदाय के लोग थे उन्होंने गणपति को थाने के सामने रख करके विरोध प्रदर्शन किया है। कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन के दौरान जो उपद्रव हुआ उसके पीछे किसका हाथ है इस बात की जांच की जा रही है। कहानी एक बार फिर से वही रही, पूरा माहौल गणेश विसर्जन की मूर्ति पर पथराव के बाद खराब हो गया। आरोप था कि कुछ उपद्रवियों ने मूर्ति पर पथराव किया और चप्पलें फेंकी। इसके बाद तो भीड़ ने पहले पुलिस के सामने जमकर नारेबाजी की, बाद में भीड़ ने तोड़फोड़ की और कुछ गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया। कई दुकानों में आग लगा दी गई। बीते एक हफ्ते में ये तीसरी ऐसी वारदात है जब गणेश पूजा या फिर विसर्जन के दौरान पथराव किया गया। हाल ही में मध्य प्रदेश के रतलाम और गुजरात के सूरत में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। रतलाम और सूरत में तो इसे लेकर कार्रवाई भी हो गई, जहां रतलाम में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, वहीं सूरत में गिरफ्तारी के साथ साथ बुलडोजर की भी कार्रवाई हुई।